दोस्तों एक बार एक व्यक्ति को बहुत तेज टीबी का बुखार हो जाता है। वह अपना इलाज कराने के लिए वैद्य के पास जाता है। घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि वैद्य जी घर पर नहीं है। फिर वो खेत पर जाता है और खेत पर जाने के बाद सारी बातें वैद्य को बताता है, क्या प्रॉब्लम है, कब से है। ये सुनने के बाद वैद्य जी सोचते हैं कि दवा लिख कर देता हूँ, परंतु वहाँ कागज ना होने के कारण वो ईंट पर दवा लिख कर दे देते हैं और बोलते हैं कि इसे सुबह पानी के साथ लेना है। अब समस्या ये थी कि वो व्यक्ति अनपढ़ था, उसे वैद्य की बात समझ में नहीं आई और वो ईंट को लेकर घर चला जाता है। फिर वो व्यक्ति 3 महीने के बाद दोबारा आता है और बोलता है कि जो आपने मुझे दवा दी थी उससे मैं आधे से आधा ठीक हो चुका हूँ, अगर वो दवा फिर से आप मुझे दे दे तो मैं पूरा ठीक हो जाऊँगा। वैद्य ने बोला कि मैंने तो तुम्हें दिया ही था दवाई का नाम। तो उसने बोला कि ईंट तो मेरे घर पे भी है, लेकिन जो आपने उस पे मंत्र फूंक के दिया था वो दे दे तो मेरा काम बन जाए। वैद्य जी हैरान रह गए कि वो पिछले 3 महीने से ईंट को घोल कर पी रहा था, लेकिन वैद्य जी ने फिर भी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि उसे इलाज पर पूरा भरोसा था और वह ठीक हो रहा था। कुछ समय बाद वो पूरा ठीक हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, आपको अपने सपनों पर पूरा भरोसा होना चाहिए, वो एक दिन जरूर पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।